हिमाचल प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसे चिंतनीय बनते जा रहे हैं, तो आए दिन भूकंप और पहाड़ी दरकने से भी हर वक्त खतरा बना हुआ है। हमीरपुर में चल रहे जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में नन्हे विज्ञानिक सूर्य चौहान ने ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें कभी भी पहाड़ी दरकने और भूकंप आने पर पहाड़ी के पास लगाए गए मैग्नेट सेंसर अलार्म से पता चल सकेगा, तो अंधे मोड़ पर भी दूसरी ओर से गाड़ी आने से पहले ही अलार्म और लाइट के माध्यम से वाहन चालक अलर्ट हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसे चिंतनीय बनते जा रहे हैं, तो आए दिन भूकंप और पहाड़ी दरकने से भी हर वक्त खतरा बना हुआ है। हमीरपुर में चल रहे जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में नन्हे वैज्ञानिक सूर्य चौहान ने ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें कभी भी पहाड़ी दरकने और भूकंप आने पर पहाड़ी के पास लगाए गए मैग्नेट सेंसर अलार्म से पता चल सकेगा, तो अंधे मोड़ पर भी दूसरी ओर से गाड़ी आने से पहले ही अलार्म और लाइट के माध्यम से वाहन चालक अलर्ट हो जाएंगे। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल जाहू के छात्र सूर्य चौहान ने बताया कि आपदा आने पर मैग्नेट सेंसर से पता चल सकेगा, तो ब्लैक स्पॉट पर हर वक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, लेकिन मॉडल के अनुसार ब्लैक स्पॉट के दोनों ओर मैग्नेट सेंसर से अलार्म के साथ लाइट चलेगी जिससे वाहन चालक अलर्ट हो जाएगा और खतरा टल जाएगा। मेरा स्कूल का नाम ग्रीन वैली पब्लिक सीनियर स्कूल और मेरा नाम सूर्य चौहान है। ये प्रोजेक्ट डिजास्टर मैनेजर पर बनाया है, जैसे कि कभी हमारे हिली एरियाज में बहुत सी ब्लाइंडर्स और लैंडस्लाइडिंग बहुत हो रही है, इसलिए जैसे लैंडस्लाइडिंग पे कोई भी पहाड़ के नीचे हम सेंसर लगाएंगे, जैसे पहाड़ी थोड़ी वाइब्रेट होना शुरू करेगी लैंडस्लाइडिंग का हमें थोड़ा पता लगना चलेगा, तब वे पहाड़ी बीप करना स्टार्ट कर देगी इसके सेंसर्स। सर इसमें हमने ये बनाया, ये अपने ब्लाइंड कर्व्स के ऊपर है, हम सर दोनों साइड पे ब्लाइंड कर्व्स के दोनों साइड में सेंसर लगा देंगे मैग्नेटिक सेंसर, जैसे कि गाड़ी में सेंसर मैग्नेट्स होती हैं तो एक गाड़ी को डिटेक्ट कर देगी मैग्नेट, और नेक्स्ट साइड के सेंसर के साथ एक बीप बजर और लाइट लगी होगी जिससे कि अगली गाड़ी को पता लग जाएगा, वो अपनी स्पीड कंट्रोल कर सके या कुछ भी एक्सीडेंट को बच जाएगा, उसे कर सकते हैं एक्सीडेंट को। या सर ये हमारे हिमाचल में जैसे कि आजकल यूज तो कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं सर इसकी, वो मिरर्स लगा रहे हैं, मिरर सर टूट जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता, किसका ध्यान नहीं जाता, पर लाइटिंग में हो भी होगी, बजर भी बजेगा, रेड लाइट पे तो चले जाएगा सर ध्यान। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबाल ने बताया कि आपदा प्रबंधन को लेकर बनाए गए मॉडल बहुत ही बेहतर है और इस मॉडल को देखकर लग रहा है कि ब्लैक स्पॉट पर होने वाले हादसों पर अंकुश लगेगा, तो आपदा के दौरान हादसा होने से पहले ही पता चल सकेगा। ये जो डिजास्टर्स के ऊपर बना हुआ है और जो हमारा हिमाचल प्रदेश है हिली एरिया है, इसमें मैक्सिमम जो रोड्स हैं वो कर्व्स हैं और लैंडस्लाइडिंग होती रहती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका अल्टरनेटिव है और हम जो डिजास्टर होता है एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या मानते हैं सर इस सॉल्यूशन में ये मॉडल कुछ हटके है? हाँ, जो आइडिया है वो हटके है, वैसे तो काफ़ी आइडिया आए हैं, 40-50 आइडिया हैं, लेकिन जो आज का जो माहौल है वर्तमान में हम जिन चीज़ों की खोज कर रहे हैं और खासकर जो हम डिजास्टर्स के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, मैं समझता हूँ एक बेहतर मॉडल है।